कक्षा 6 गणित। नमस्कार बच्चों, ये आपको चित्र दिखाए गए हैं। आपने इन चित्रों को देखते हुए दिए गए चित्रों के सम्मुख कोण में आसन कोणों के नाम लिखने हैं, पहले और दूसरे प्रश्न में। तो सम्मुख होते हैं सामने वाले कोण, जैसे ये कोण और ये सम्मुख होते हैं, ये और ये सम्मुख होते हैं, इसी तरह इसमें लिखने हैं। आसन कोण ये और ये, ये और ये, ये और ये, ये और ये, तो इनके नाम लिखने हैं आपने। इसमें ये और ये आसन कोण हो गया, ये और ये आसन कोण हो गया, ये और ये आसन कोण हो गया, ये और ये आसन कोण। आसन कोण और सम्मुख कोणों के नाम लिखने हैं पहले और दूसरे में। इनमें दूसरे और तीसरे और चौथे प्रश्न में, इसी पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो इसमें क्या करना है आपने, इनके कोणों के नाम लिखने हैं, त्रिभुज में बनाकर इसके अभ्यंतर बहिर्गमी के दो दो बिंदु भी लिखने हैं। तीसरे चौथे कोण में अभ्यंतर व बहिर्बिंदु के अंकित बिंदुओं के नाम लिखने हैं, तो और साथ में कोणों के नाम लिखने हैं इनमें। तो जैसे ये कोण हो गया, इसका नाम क्या है, एक ये कोण हो गया, इसका नाम क्या है, ये कोण हो गया, इसका नाम क्या है, ये कोण हो गया, इसके क्या नाम है। और इस प्रश्न में से आपको बहिर्बिंदु जो बाहर है इस कोणे से उसका नाम लिखना है, और जो अंदर इसके कोण है उनके नाम लिखने हैं। सिर्फ एक एक ही लिखना है, एक इसमें और एक बाहर का लिखना है, ये नहीं लिखना है ये, क्योंकि ये लाइन के ऊपर आ गए हैं ये। तो आपने इसके बहिर्बिंदु है, अभ्यंतर का मतलब जो अंदर अंदर की तरफ, जैसे मान ली इसमें कोई बिंदु है तो अभ्यंतर हो गया, बाहर का मतलब यहाँ 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 कहीं भी दूर हो। और पांचवें प्रश्न में आपने एक त्रिभुज बना करके उसके अंदर कोई भी दो अभ्यंतर बिंदु और दो बहिर्भाग में दो दो बिंदु बनाने हैं। तो ये पांच प्रश्न आप अभ्यास के लिए आज आपके पास रहेंगे। कक्षा 8। नमस्कार बच्चों, प्रश्न माला 14-13 में गुणनखंड। तो कल अपने चार खानों वाला सूत्र, जिसको a² - 2ab + b² वाला किया था, और आज अपने इस प्रश्न को हल करेंगे। ये प्रश्न संख्या 2 है, 14.3 का 4p² - 9q² तो इसमें ये सूत्र लगेगा a² b² यानी ये संख्या होगी a² b², इनको आपको इसको इस तरह से लिखना है, एक बार a प्लस में और एक बार माइनस में। तो इनका वर्ग लेना आपने, तो 4 का वर्ग होता है 2 यानी 2 × 2 = 4, 9 का वर्ग होता है 3 यानी 3 × 3 = 9। पी अंदर आएगी, इसका क्यू है तो क्यू आ गया, स्क्वायर अपने आप बाहर लग जाएगी। तो अब इसको एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में, यानी 2p + 3q और 2p - 3q। इसी तरह से आपको इनको हल करना है। आप इन प्रश्नों को ध्यान में देना, 16 और 144 का। तो अब 16 का तो वर्ग आ जाएगा 4 लिखने, 144 का वर्ग आ जाएगा, लेकिन इसमें x की 5 और x की 3 है, तो पहले अपने इनको बराबर करना पड़ेगा। तो इसका पहले आपको एक बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, यानी दोनों में जिसका भाग जाए, तो पहले वो कॉमन लेकर के आपको और अंदर की संख्या ज्ञात करनी होगी। इसी तरह 63 और 112 का वर्गमूल आप नहीं ले सकते, तो इनमें भी एक कॉमन लेना पड़ेगा, या एक प्रश्न में आपको करके बताता हूँ ये कॉमन कैसे लेना है 63 और 112 का। तो इन दोनों में 9 का भाग चला जाएगा, 9 का भाग इसमें भी जाता है, या 7 का भाग आप दे सकते हो, 9 का दे, 7 का भाग से दोनों कट जाएगी, लेकिन 9 के भाग से ये नहीं कटेगी। जैसे 7 * 63, तो 7 कॉमन आ गया, 7 का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, तो 7 * 63 = 2। इसी तरह इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 × 7 बच गया, 7 * 6 = 42, यानी 16 × 7 = 112 होते हैं b² 2। अब वही सूत्र आगे, इसी तरह से दो खानों वाला, बीच में माइनस रहेगा, 9 का वर्ग 3 a का a, 16 का वर्ग 4 b का b। तो अब इसको एक बार प्लस में, यानी 3a + 4b और 3a - 4b। इसी तरह से ये सवाल आपने पहले हल करना है। तो ये देखिए, आप 63 और 112 को पहले आपने कॉमन लेना है, इसका भाग दोनों में भाग जाएगा 7 से, तो 7 * 63 = 2 और 16 * 7 = 112, यानी 7 का भाग 112 में देंगे तो 16 आएंगे। अब इनके आगे उसी सूत्र से दो खाने वाला सूत्र लगाएंगे, a² - b² वाला, तो 9 का वर्ग 3 होता है, 16 का वर्ग 4, a का a और b का b। अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इस तरह से ये सवाल हल करना, बाकी सारे एक जैसे हैं। तो इन चार प्रश्नों का आपने अभ्यास करना है। धन्यवाद।